वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंदजान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों, YouTube पर हमारी मेहनत चल रही है यार कि कबूतर शाम तक कैसे उड़े, हर एक किसी का सपना। और बंदे जो हमारे साथ जुड़ते हैं वे भी यही चाहत रखते हैं कि यार मेरे कबूतर शाम तक उड़ जाए, है ना। हमारी यही मेहनत रहती है और तमाम लोगों के कमेंट मैसेज में यही रहता है, इमरान भाई मेरी सेटिंग सही नहीं हो पा रही है, हमारे जोड़े लगा दो या सेटिंग कर दो। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था यार, यहाँ की भी कहानी कुछ ऐसी थी, मगर हम जो लोगों को पेंडिंग में रखते हैं ना तो उसका रिजल्ट नज़र आता है। हम कहते हैं कि भाई वीडियो देखो, सीखो, मेहनत करो, जो चीज़ आपको नॉलेज है उसमें सर्च करो, ढूंढो, तो आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप मेरे पे डिपेंड रहोगे ना कि नहीं इमरान भाई आपके हाथ से जोड़ा लगा मिल जाए या आप ही लगा के दे दो, तो उससे आगे फिर आप दिमाग नहीं दौड़ाने के। आप क्या करोगे, उन्हें उनकी एक पेटी बना लोगे, ऐसे ये दिखा दो छोटी सी, एक नीचे को बैठ के जोड़े दिखा दो, ऐसे आप एक पेटी बनवा लोगे। और इसी तरह जैसे अंदर देखो अंडों पर बैठे ना, भाई दिखा दो नज़दीक जाके, देखो अंडों पर बैठे हैं, ठीक है। हाँ बस अब इधर आ जाओ, देखा आपने। फिर आप ऐसे करोगे, बस एक पेटी रख के जोड़े अंडे बच्चे कराए जाओगे, इससे आगे आपका दिमाग नहीं चलने का कि जोड़े ने बच्चा तो करा लिया, वो बच्चा उड़ा क्यों आपको नहीं पता। अरे इमरान भाई ने जोड़ा दिया था, बच्चा उड़ क्यों रहा है, क्यों टाइमिंग दे रहा, घर के वापस आ रहा, चिड़ी मारो के क्यों नहीं बैठ रहा जाके, लोगों के नाक में क्यों दम कर रखा, आपको नहीं पता क्यों, आपने दिमाग ही नहीं दौड़ाया। आपने इतना दिमाग दौड़ाया इमरान भाई से मिल जाओ, ये मुझे जोड़ा लगा के दे दे तो मैं कामयाब हो जाऊँगा, इतना ही दिमाग दौड़ाया। तो अब भाई साहब हमारे यहाँ रहे, पुराने यहाँ रहे, ये मेरे अपने ही एरिया है, हमारा एरिया है ये, और हम अपने ही मोहल्ले में खड़े हैं हम, ठीक है। तो इनसे भी हमारी गहरी आ रही है, तो इनके यहाँ भी हमारा आना जाना है काफ़ी टाइम से, कई सालों से आना जाना है। तो ये भी हमारी वीडियो अक्सर देखते रहते, तो ये भी कहते रहते अब तू पूरी दुनिया के यहाँ वहाँ के जोड़े लगाता फिर, हमारे भी दो चार जोड़े सेट करते हैं, हम भी देख लें तेरी कलाकारी। तो खाली मैंने इनको कबूतर पकड़ के ना वैसे ही दिखाता था कि यार देख ये चीज़ होनी चाहिए और ये ऐसे ऐसे, तो मैं खाली इसको लटका के चला जाता था, मैंने इसका कोई जोड़ा ऐसे सेट नहीं करा कि हाँ ये पूरा सेट हो गया, नहीं करा, नहीं ना करा, है ना। तो मैं कई दफ़ा आया इसकी छत पे और इसने हर बार यही कहा, इमरान तू गोली दे, वह मिट्टी गोली दे और निकल जा, तू करता कुछ नहीं, तू जोड़े सेट नहीं करता। देखो मैं नहीं चाहता कोई हमारा मुरीद बने और हमारे ऊपर ही टिक जाए, हम चाहते कि वो खुद काबिल बने, खुद इस काबिल बने कि उसे कभी हम जैसे बंदों की ज़रूरत ना पड़े कि यार हम तो खुद सेट कर लें, खुद ही उड़ा लें। तो अब मैं भाई की छत पे यार एक साल से देख रहा हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी कलेक्शन कर ली है, बहुत अच्छे जोड़े कर लिए, और वो कैसे करा अब ये खुद बताएंगे, भाई आपने कैसे करे बताएं। हाँ जी, मैं तो पहले कबूतर को देखता हूँ, अपना उड़ा कर देखता हूँ, अपने घर के बच्चे देखता हूँ पहले किस टाइप से है, नहीं नर उड़ता है किस हिसाब से है, नहीं मेरी मादी उड़ती है, उसके आधार पर मैं अपना जोड़ा लगाता हूँ। अच्छा, उसके हिसाब से है नहीं मैं अपने जोड़े जो सेट कर रखे हैं। अच्छा, पिछले जो साल के मेरे जो जोड़े हैं वे मैंने अलग ही रख रखे हैं, इस साल फिर मैंने उन जोड़ों को हटा गया, नर मादिन मैंने अलग कर रखे हैं, अलग ही सर्च मार रखा है मैंने अपने जोड़ों में। अच्छा। जो मार रखा है सर्च मार रखा है, मुझे ऊपर वाले के हुक्म से यानी बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाई दिया है। अख हाँ, इस साल भी है नहीं जो पिछले जो जोड़े थे मेरे जो बने हुए जोड़े थे वे तो मेरे पास में ही हैं, पर इस साल मैंने और सर्च मारी उनके अदला बदली। हड्डी जोड़ कैसा है इनके? हड्डी जोड़ बिल्कुल बेहतरीन है, हड्डी वाले हड्डी जोड़ जो लोग बाग यूँ कहना कि यार वो मिलती नहीं हूँ। अच्छा, एक मुझे बरीकने वाली हड्डी, बरीक वजूद का बच्चा चाहिए, बरीक वजूद होना चाहिए कबूतर का। अच्छा। जो बच्चों का है बरीक वजूद होना चाहिए, भारी वजूद का जो कबूतर होगा या बच्चे होगा वो किसी काम का नहीं है, बरीक वजूद हो, बरीक वजूद हो। अच्छा, परों की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, नस्ल बड़ी अच्छी होगी तो सबके घर पर यानी अच्छी नस्ल बन जाएगी। चलो ये अपना बीच में जानकारी देते रहेंगे, मैं आपको कबूतर का भी शौक कराता हूँ, कैमरा मैन इधर आ जाए और देखो इधर ये इनके कबूतर फिर रहे हैं, आपको वीडियो में नज़र आएंगे। और ये सारी इनकी मेहनत है, ये तो है जो बच्चे कुछ कबूतर बड़े भी बाहर है और कुछ मादीन अंदर है, इनकी जो उड़ान देती है उधर नर है इधर मादीन है, ये बच्चे फिर रहे हैं। तो आप बताएं आपने कैसे इतने यार बच्चे करा लिए, ये मेहनत की आपने? बस ये इनमें तो है नहीं कम से कम है 25-30 बच्चे है इनमें जो मैंने अपने कटवाया, कुछ खुड्डे के अंदर है कुछ अंदरली तरफ खुड्डों में है। अच्छा, नर मैंने अलग डाल रखे हैं, मादीन मेरी अलग है। अच्छा, इस साल जो नया मैंने जो जोड़े मिलाए, मैंने जोड़े नए मिलाने के बाद में जो उनके बच्चे कटवाए हैं उन बच्चों का रिजल्ट देख लो, बिल्कुल बरीक वजूद मिलेगा बच्चों का। और बच्चे हैं नहीं, मैं पहली दूसरी कली का ही उड़ा कर देख लेता हूँ, बच्चा है नहीं मेरा तीन तीन चार चार दिन है ना रड़का मेरा घर पर आ जाता है, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन तक का मुझे बच्चे को ढूंढना नहीं पड़ता, खाली छत पर मेरी बच्चा आ लेता है। क्या कह दिया इन्होंने, घर का बच्चा हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन रुल के घर पर आ जा, यार कमाल की बात है दोस्तों, ऐसा क्यों आ रहे बच्चे जो हफ्ते हफ्ते बाद आ जाते हैं? हफ्ते हफ्ते बाद में 9-9, 10-10 दिन बाद मेरा बच्चा आता है।
अब देखो वो बिना कली का बच्चा है, उस बच्चे को उड़ाता हूँ मैं, अगर वो साला है नहीं रड़ा फिराएगा, जंगली बन जाएगा, आएगा मेरे घर पे ही वापसी आएगा। छोटा सा बच्चा है दोस्तों, हमारे आने से पहले भी ये अपना आप ही उड़ जाता है, इतना करंट है बच्चों में, बैठे बैठे अपना आप ही उड़ रहे हैं, अपना आप चक्कर काट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने अभी कैमरे में कही कि मेरे घर का बच्चा हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन में ना रड़ रड़ के इधर उधर से वापस आ जा रही है। हकीकत है दोस्तों, इनका बच्चा अब भी एक इधर यहाँ टावर पर रह रहा है जंगलियों में, है ना। हाँ, वो बिल्डिंग है उस पर 3 बच्चे मेरे हैं नहीं, पिछले साल के 3 बच्चे 10 पर साफ कर गए, पर मेरे घर पर नहीं आए, जंगली बने फिर हो गए, पर कबूतरों में किसी का पंजा नहीं दिया। अच्छा, इस साल मैंने पर थोड़ा सा उसका उस हटका मैंने यानी सर्च मारा, मगर बच्चा वापसी भी घर पर आ जाना चाहिए। इबका इस साल है नहीं मेरे बच्चे यानी रड़े फिर हो जा, पूरी दिहाड़ी यानी धक्के खाते फिर हो जा, शाम के टाइम तक का मेरे घर पर आ लेते हैं, मुझे ढूंढने की जरूरत ही नहीं रहती बच्चों को। ये जो अभी इतनी बातें कर रहे हैं पता क्यों कर रहे हैं, इन्हें पेंडिंग में डाल दिया गया, पेंडिंग में मारो, सर्च मारो, कुछ तो देखो। बंदा खुद अपना दिमाग दौड़ाता है कि हाँ यार, हड्डी जोड़ का तो पता लग गया, पर वजूद का भी पता लग गया, शेप का पता लग गया, सब चीज़ का पता लग गया, अब इनमें जोड़ कैसे बिठाना, भाई खुद ही ट्रांसफ़र करता रहा नर मादीन, है ना। हाँ जी हाँ, है ना। हम यही सिखाते हैं आपको दोस्तों, यार जब तक आप खुद मेहनत नहीं करने के ज़िंदगी में कामयाब नहीं होने के, हमेशा किसी ना किसी के पीछे लगा रहोगे। और पैसे दे के कैसे जुड़े लाते हैं बंदे कुछ, अरे 5-5 हज़ार का, 10-10 हज़ार रुपये का, जिस आदमी ने अपनी नॉलेज से जोड़ा मिला दिया उसके बच्चे उड़ रहे हैं। अच्छा क्या करते हैं कबूतरबाज, अगर ये कितने का जोड़ा है, 5 हज़ार का जोड़ा है, 10 हज़ार का जोड़ा है, अरे भैया तूने 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये देकर तो जोड़ा अपनी छत पर ले आया, तेने सर्च मारा क्या है, जो आप 5-7 साल से 10 साल से अगर तू ये मेहनत कर रहा है, इनके जानवरों के अंदर तुमने देखा है क्या है, इनके अंदर क्या खूबी है, यह चीज़ देखनी नहीं है। 5-5 हज़ार का, 10-10 हज़ार का जोड़ा लिया, अब मेरी छत पर आने पर बच्चे उड़ रहे हैं, घर के उड़ रहे हैं, सर्च तो किसी और ना मार रखा है, अपने आप ना तो कोई सर्च नहीं मारा ना, हम तो है नहीं अपने घर के ही बच्चे, उन्हीं के नर्मादीनों के बच्चे जोड़े मिला के उनका सर्च मारते हैं, अब हाँ ये जोड़ा मिला हुआ है हमारा सेट। अच्छा हम इसी चीज़ को कहते हैं भैया अपने दिमाग से काम करो, अच्छा कबूतरों को देखो, उनके जोड़े मिलाओ, देखो किस हिसाब से बच्चे उड़ता है। मेरा बच्चा कोई भी गहराई में नहीं उड़ने का, अध कचेरी पर बिंदी में अगर रुकेगा 10-15 मिनट रुकेगा, नहीं तो अध कचेरी पर पूरी उड़ान करेगा। चलो देखो वो काफ़ी अच्छी बातें कही। देखो एक चीज़ में एक बात और कह दूँ दोस्तों, बहुत बुरी लगने वाली है कि बंदे टूर्नामेंट बाजियां तो खेलते हैं मगर यहाँ अकल नहीं होती, उनके अंदर भेजा नहीं होता है। हकीकत में जब तुम्हारे घर के कबूतर सोफी तुम्हारे 3-4 बजे तक उड़ रहे है ना, 3-4 बजे तक उड़ रहे, खेल पानी लगा दिया। खेल पानी लगाने के बाद अगर वो 10 बजे 11 बजे बैठ गए तो भाई साहब कसूरवार कहते हैं कमी रहेगी इनमें, उड़े नहीं, निकाल लो सालों को, बेच दिए सारे। बंदे ने अपने सारे कबूतर बेच दिए भाई, मैं उससे कह रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि यार सभी अपने होते हैं, मैं उससे कह रहा था भाई ये जोड़े मत निकाल, जोड़े अच्छे हैं ये जोड़े अच्छे, इन्हें मत बेच, तेरे बच्चे बहुत अच्छे रहे हैं, बेकार है इमरान भाई, सारे नुस्खे पे 11-12 बजे बैठ गया, बताओ कोई बात भी यार, अपने ही खास बंदा है, यहीं का बंदा है, ठीक है, माना नहीं उसने यार वो जोड़े बेच दिया, कसम से यकीन मानना दोस्तों, उनके बच्चे ऐसे टुकड़ी में बन के चल रहे थे, इन्होंने भी देखे ऐसे टुकड़ी में बन के चल रहे आसमान में, 3-4 बजे तक नॉर्मल ऐसी गर्मी में उड़ रहे थे, 4 बजे तक, अगर वो बिना नुस्खे के भी उड़ाता बाजी जीत जाता, क्यों जी जीत जाता, ठीक है, मगर वही ईमान तो नुस्खे पे टिका हुआ ना, कि जब तक नुकसान ना मिलने का तो भैया मैं कैसे उड़ जाऊंगा, तो कभी ये वाला उस्ताद, कभी कोई सा उस्ताद, उस्ताद ही बदलते रह जा। आजकल है नहीं यहाँ पे क्या काम हो रहा है, उस्ताद जो को देखते हैं कह लगा यार ये फला उस्ताद है नहीं बढ़िया अच्छा खेल पानी ले रहा है, चलो उसी के शागिर्द बन जाते हैं। अरे ओ भाई जब तुम्हारे पास में 3-4 बजे तक की ब्रीडिंग हो रही है, अच्छे कबूतर उड़ रहे हैं, तो नो तो बताओ सामान पत्थर लगाने की जरूरत क्या है, हैं? आज तक का है नहीं मैं अपने कबूतरों को नशा पत्थर नहीं देता, मैं पिछले तीन चार सालों से मैं दूसरों के कहने से है नहीं नशा पत्थर लगाया, मेरे कबूतर 4 बजे 3 बजे 4 बजे तक, इसकी वीडियो मैं अलग बनाता हूँ, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा ये वाली, इसकी अलग बनाऊंगा मैं दोस्तों, देखो मैं वीडियो शॉर्ट कर देता हूँ मैं यहीं से, इसकी अभी एक वीडियो और बनाता हूँ मैं, सुनने में आपको मजा आएगा, ध्यान रखना इससे अगली वीडियो आएगी। तो इन्होंने दोस्तों मेहनत की और आज वाकई में यार कोई भी उस्ताद छत पे आ जाए, कोई भी उस्ताद छत पे आ जाए, जल्दी से जो जोड़ इन्होंने सेलेक्ट करके लगाए ना बच्चा फेल नहीं होगा। बड़े ही प्यारे बदन के बच्चे इन्होंने निकाल लिए हैं और जोड़े भी सेट हो गए हैं, तो हम यही चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में ना आप अपना दिमाग दौड़ाओ, लगे हुए जोड़े मत लाओ कि 5 हज़ार 10 हज़ार का जोड़ा दे दो और जिंदगी बन जाएगी, पता लगा बीमारी में आके नर मर गया या मादी मर गई वो जोड़ा फेल वो फिर दूसरे के नीचे हाथ देने वाला काम, फिर जाओ 5-10 हज़ार रुपये लेके फिर मर गए, सारी उम्र क्या यही करोगे आप, ये गधों वाला दिमाग होता है जो ये काम करते हैं कि पैसों के बल पे कूदते हैं कि मैं जोड़ा खरीद लूँगा 10 हज़ार का 5 हज़ार का मेरे घर नस्ल बन जाएगी उड़ा लूँगा मैं, ऐसा कुछ ना भाई, ये मेहनत है इनकी, देखें
कई जोड़े हैं? एक जोड़े नहीं, कितने जोड़े होंगे लगभग? मैं कम से कम 10-12 जोड़े हैं इनमें फिलहाल, जो अभी तक का है ना, जो पिछले वाले जोड़े में ना अभी तक का है ना, एक जगह नहीं मिला है, और 15-20 दिन बाद में मिला भाई ने ये। देखो मैं कराने को इनके बच्चों का नज़दीक से शौक कराता मैं, मगर कहते हैं ना कि नज़र लग जाती, जोड़े नहीं दिखाना चाहते, तो ये जोड़ों का शौक नहीं कराना चाहते। वीडियो में मैं आपको पास में ऐसे दिखा देता हूँ बच्चे, मैं खुद दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है? ये देखें काली आँख का बच्चा, ये मादिन बैठी है, बहुत बेहतरीन जोड़े वाली है। इससे आगे भी एक काली आँख का बच्चा बैठा हुआ है, उससे पल्ली तरफ भी वो बच्चा बहुत अच्छा बैठा हुआ है, सिर हल्का सा फिक्का मैला सा बच्चा दिख रहा हुआ आपको, बहुत अच्छी उड़ान है। ए इधर ये घर की पट्टी, ये भी घर की पट्टी है। इससे आगे वो देखें बच्चा ऊपर झाँक रहा है, ये बच्चे घर, ये भी घर का बच्चा है, ठीक है जी। और लाल बच्चे, ये बैठा लाल बच्चा, लाल बच्चे तो ये तो, ए आगे देखो कितने सारे लाल बच्चे ये बैठे सारे, ये सब घर के बच्चे हैं, सब लाल घर के बच्चे हैं ये दोस्तों, बहुत बेहतरीन उड़ान है इनमें, कोई बाहर का बच्चा नहीं है उसमें। देखें एक बच्चा और, ये बैठा है, ये देखो बच्चे का वजूद देखो दोस्तों, पर देखो यार करंट है बच्चे के अंदर पूरा। ये देखें आप, फुल करंट है बच्चे के अंदर। और ये देखें यहाँ भी हैं बच्चे, ये कहाँ गया बच्चा, ये देखें, ये इतना सही बच्चा उड़ जाता है दोस्तों, चीची करता हुआ बच्चा, बहुत अच्छा उड़ जाता है यार ये बच्चा, ये देखो, और आँख साफ है ये देखें, ठीक है। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि आप भी मेहनत करें, नॉलेज इकट्ठी करें, सीखें और फिर जोड़ें।